हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी के टिप्स एंड फूड। तो आज बनाते हैं चॉकलेट के बिस्किट्स, जो कि टी टाइम स्नैक्स भी होगा और आजकल बारिश आ रही है तो मज़ेदार भी लगेगा कुछ। मैं एक बोल लूँगी, उसमें आधा कप जो है मैंने देसी घी ले रखा है, आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो, और आधा कप मैंने इसमें चीनी को मैंने पीस दिया है। और अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स हमें तब तक करना जब तक कि लाइट क्रीमी टेक्सचर इसका ना हो जाए। इसको 5 मिनट कम से कम लगेंगे फेंटने में, तो आपने 5 मिनट तक इसको फेंटते रहना और अच्छा बिल्कुल लाइट कलर का हो जाना चाहिए, उससे ना हमारे बिस्किट बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये लाइट कलर का हो गया है, इसमें मैं 1 1/4 कप मैदा डालूँगी। मैदे को मैंने छान लिया था पहले ही, और इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप कोको पाउडर। आप कोको पाउडर की जगह चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हो। इसको मिक्स करूँगी मैं, और इसमें आधा चम्मच में बेकिंग पाउडर डालूँगी, और उसके बाद इसको हाथ से इसको गूंथ दूँगी। जैसा आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंथना है। वैसे तो लोग इसमें दूध भी ऐड करते हैं हल्का सा गूंथने के लिए, लेकिन मैंने इसमें दूध ऐड नहीं करा है, और मैं इसको घी में ही अच्छा सा डो इसका तैयार कर दूँगी। जो मैंने घी डाला ना, बस उसी में हमने इसका डो तैयार करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है घी की परसेंटेज कम है, लेकिन आप इसको धीरे धीरे अगर गूंथते रहोगे ना, तो जो एक डो के फॉर्म में होगा तो वो अपना आप ही घी छोड़ने लग जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे इसने घी छोड़ दिया, काफ़ी गीला गीला सा लग रहा है, जबकि हमने इसमें कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं डाली है, ना पानी, ना घी, ना दूध। तो काफ़ी अच्छा डो जो है हमारा तैयार हो गया है। आप लोग भी जब भी बिस्किट बनाओ तो एक बार घी या बटर जिससे भी बनाओ तो उसी चीज़ से बना के देखना, उसमें दूध ऐड मत करना। तो चलिए अब इसको बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा डो हाथ में ले लिया है, एक छोटा सा डो आप हाथ पर ले करके उसको अच्छे से गोल करके और थंब से उसको हल्के से प्रेस करके इसके अंदर डालेंगे हम चॉकलेट। मैंने चॉकलेट के यहाँ पर पीस करके रखे हुए हैं, तो एक छोटा वाला पीस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको ऊपर से ना इसको फोल्ड कर दूंगी ऐसे करके, ताकि चॉकलेट दिखे ना। और इसको आराम से करना, क्योंकि ये घी का बना हुआ तो टूट सकता है। हल्के हाथ से इसको ऐसे राउंड राउंड कर दूंगी, और उसके बाद जैसे आटे की हम लोई को गोल गोल करते हैं ना, उस हिसाब से कर देंगे। और बाद में इसको हल्के से प्रेस करना ऊपर से, जैसे कुकीज़ बनती है ना, हल्के से प्रेस करना। और इसके बाद उस बर्तन पर आप इसको रख देना जहाँ पर आप बेक कर रहे हो, चाहे आप ओवन में करो या कुकर में करो, जिस भी चीज़ में कर रहे हो तो प्लेट में या जो भी है आपके पास ट्रे या प्लेट, उसके ऊपर रख देना। ऐसे हम दूसरी लोई भी लेंगे और इसको भी ऐसे ही करेंगे, थंब से इसको हल्का सा प्रेस करके एक पीस इसमें चॉकलेट का डाल करके, सेम मेथड वैसे ही करके ऐसे हम सारी कुकीज़ों को ऐसे ही बना देंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को भी आगे भी शेयर कर दो। तो चलिए, यहाँ मैंने कुकीज़ बना दिए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा गैप में आप रखना, क्योंकि ये फूलेंगे ना, हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल रखा था, ये फूलेंगे, तो इसलिए इनको थोड़ा डिस्टेंस में रखना। यहाँ मैंने कुकर को प्रीट करने के लिए मैं रख रही हूँ, इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला है। सिंपल से आपके पास कटोरी हो या प्लेट हो छोटी सी, आप उसको रख देना। तो मैंने इसको अभी प्रीट नहीं करा है, मैं इसमें पहले डायरेक्ट प्लेट डाल रही हूँ 5 मिनट के लिए। अब आपने गैस की फ्लेम को फुल करना है, कुकर को बंद कर देना है सीटी को हटा करके। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को 5 मिनट के बाद मीडियम पर करना है, और इसको 15 मिनट बाद हम खोल करके देख रहे हैं। 15 मिनट कम से कम लग जाते हैं, 12 से 15 मिनट बेकिंग का टाइम है। तो ये मैं 15 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ तोड़ करके, जो हमने चॉकलेट का जो एक पीस इसके अंदर डाला था वो इस स्टेप से है। और आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं।